Back to my channels. I am Dhanraj sir. Student, today we are going to discuss about the importance poetry, sweetest love. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्वीटेस्ट लव के बारे में. स्वीटेस्ट लव जो पोएम है, आज हम मूल रूप से ध्यान देंगे आप अष्टांजा वाइज एक्सप्रेशंस रेडी करेंगे. आज के इस वीडियो में आपके सिलेबस में टोटल 5 अष्टांजा है और प्रत्येक अष्टांजा में ऑकेटिव है, इंग्लिश 8 लाइन है. प्रत्येक अष्टांजा में आपको 8 लाइन मिलेगा और आज हम मिनिमम वीडियो आपका बढ़ाना हो जाए इसलिए कम से कम 3 अष्टांजा को इसमें जो है आज पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक्सप्लेनेशन स्वीटेस्ट लव का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप शुरू हो जाइए. सबसे पहले है क्या कि आप ध्यान दोगे, जॉन डन स्वीटेस्ट लव के लेखक, जो मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं, जॉन डन एक ऐसे कवि हैं जिसको लोग मोटा फिजिकल पोएट कहते हैं, मेटाफिजिकल पोएट. वो स्वीटेस्ट लव एक लव पोएम भी है. इस कविता में पोएट अपने बिलव्ड को, अपनी प्रेमिका को, अपनी वाइफ को एड्रेसेस करते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं हम लोगों को और उन्हें बताते हैं कि देखो आज के समय में मोहब्बत क्या है, लव क्या है, स्वीटेस्ट लव. ये आप ध्यान देंगे आपके सिलेबस में दी गई है सांझा. स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो होल बियरिंग्स ऑफ दैट नोर इन द हॉप द वर्ल्ड कैन सो ऑफ बिटर लव फॉर मी बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट टू बेस्ट To use myself in just thus my fans dead to die. तो इस अष्टांजलि के अनुसार जॉन डन ये बताते हैं कि देखो वो अपने महबूबा से, अपनी प्रेमिका से ये कहते हैं कि देखो ओ मेरे प्रीतमा, ओ मेरे ड्रीम गर्ल्स, ओ मेरे स्वीट हार्ट, मैं नहीं जा रहा हूं, मैं आपसे बहुत अधिक दूर नहीं जा रहा हूं, कोई ऐसी लालसा भी नहीं है कि मैं आपसे दूर जाऊं. लेकिन क्या है कि एक ना एक दिन हमें बिछड़ना ही पड़ेगा क्योंकि हम सभी जानते हैं मीटिंग एंड डिपार्टिंग इज अ पार्ट ऑफ नेचर, ये प्रकृति का नियम है मिलना और जुदा होना. तो क्यों ना जुदाई का गम सहने से पहले हम एहसास कर लें, रिहर्सल कर लें कि होता क्या है, उसमें लोग कैसे जीते हैं. जिन्होंने क्या कहा ध्यान देंगे आप कि स्वीटेस्ट लव और मेरी प्रीतिमा और मेरे ड्रीम गर्ल्स और मेरी वाइफ और मेरी प्रेमिका, आई डोंट गो फॉर बियरिंग्स ऑफ दैट. आप ये मत सोचो कि मैं आपसे थक चुका हूं, मैं आपसे परेशान हो चुका हूं, आपकी मोहब्बत में बदनाम हो चुका हूं और मैं आपसे दूर होना चाहता हूं. जी नहीं, बिल्कुल नहीं. इन्होंने क्या कहा कि मैं आज भी आपको चाहता हूं, कल भी चाहता हूं और चाहता ही रहूंगा क्योंकि आप मेरे लिए जो है मेरे सपनों की वो रानी हो, राजकुमारी हो. इन्होंने क्या कहा कि आप कभी भी ये मत सोचे कि मैं आपसे ऊब चुका हूं, मैं आपसे थोड़ी परेशान हो चुका हूं. नहीं जी, ऐसी बात नहीं है. हमारी मोहब्बत एक ऐसी मोहब्बत है, ट्रांसपेरेंट मोहब्बत है. हमारी मोहब्बत एक ऐसी मोहब्बत है जो दुनिया देख सकती है. इन्होंने कहा कि नॉट इन द होप नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन सो, ना केवल उम्मीदों में हमारी जो मोहब्बत है ट्रांसपेरेंट मोहब्बत है, इसे सब कोई देख सकता है, समझ सकता है, अनुभव कर सकता है इस मोहब्बत को. हमारे और आपके बीच के जो डीपेस्ट जो लव है उसको महसूस कर सकता है, जो स्वीटेस्ट जो लव है इसको महसूस कर सकता है. और ऐसा ही नहीं बल्कि दुनिया इसे समझ सकता है, दिखा सकता है. इन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं आपसे बिछड़कर दूर जा रहा हूं और 7 समुद्र पार जाने के बाद मैं दूसरी प्रेमिका किसी और के साथ अपने नैनाचार कर लूंगा. ऐसा कहीं मत सोचो, कभी आप ऐसा विचार मत करो कि मैं बाहर जाकर, दूर जाकर मैं नैनाचार करूंगा, किसी और से आंख लगेगी और मोहब्बत हो जाएगा, मैं तुम्हें भूल जाऊंगा. ऐसा कहते हैं जॉन डन. तो आप ध्यान से सुनो, इन्होंने क्या कहा कि आप मेरे उम्मीदों में हो, आप मेरे कलकल में हो, आप मेरे डगल में हो, ऐसा दुनिया देख सकती है हमारी मोहब्बत को, वो भी ऐसी वैसी मोहब्बत को नहीं, हमारे और आपके बीच जो मोहब्बत है और फ्यूचर लव एक ऐसी कभी ना टूटने वाली, कभी ना बिछड़ने वाली, कभी ना बर्बाद होने वाली, कभी ना जुदा होने वाली, डिपार्ट होने वाली जो मोहब्बत है ये हमारे और आपके बीच ये कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है. इसलिए आप ऐसा कभी मत सोचे, ऐसा मन को विचलित ना करें. हमारी जो मोहब्बत है ये स्वीटेस्ट मोहब्बत है. हम आपसे दूर हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहे हैं ताकि हम देख सके कि जुदाई का गम जो है वो कैसे सहते हैं, उसका सहन, उसका दर्द कैसा होता है. इन्होंने ये कहा कि चूंकि हम सभी जानते हैं कि एक न एक दिन हमें बिछड़ना ही है, मिलन का अर्थ होता है बिछड़ना, एक न एक दिन तो बिछड़ेंगे, आज मिले तो कल बिछड़ेंगे, तो ये मिलना और बिछड़ना ये चलता रहता है.
आज की मोहब्बत भी कुछ ऐसी प्रकार का मोहब्बत है, बस दो दिनों के लिए मिला और फिर हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ गया, दूर दूर तक सात समंदर पार भी जो है दिखाई नहीं देता आज का मोहब्बत। तो जॉन डन कहते हैं इस कविता के माध्यम से अपने प्रीतमा को, अपने बिलव्ड को, अपनी प्रेमिका को कि सिंस दैट आई मस्ट डाई, ये निश्चित है कि एक ना एक दिन हम आपसे डिपार्ट हो जाएंगे, एक ना एक दिन आपसे जो है अलग हो जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि उससे पहले आज हम आपके साथ अपनी मोहब्बत को, अपने स्वीटेस्ट लव को शेयर करें और इतनी खुशियां मनाएं। टू यूज माई सेल्फ इन जस्ट आनंद उन्माद खुशियां। तो इन्होंने कहा कि हम इतनी खुशियां मनाएं, इतना आनंदमय जिंदगी जीवन यापन करें कि अगर हम कुछ पल के लिए आपसे दूर भी हो जाएं तो आपको हमारी कमी महसूस ना हो। सच्ची मोहब्बत वही होती है, चाहे जितना भी आप उनसे दूर रहो, जरूरी नहीं कि डेली मिस कॉल आए और व्हाट्सएप पे मैसेज ही आए, मीन्स आप जितना भी दूर रहो कनेक्शन जो है 5G से भी अधिक रफ्तार होता है, आप इसे 10G कर दीजिए, मोहब्बत की जो वेयरनेस होती है, जो तार होती है वो काफी खतरनाक होता है। आप चाहे जहां भी रहो वो आपको जो है आपके दिल की घंटी को हमेशा बजाते रहता है। इन्होंने क्या कहा कि बेशक मैं एक दिन आपसे जुदा हो जाऊं, मर जाऊं, लेकिन कभी ये मत सोचना कि मैं आपसे दूर होकर जा रहा हूं, आपको भूल जाऊंगा, सात समुद्र पार जाकर किसी के साथ चक्कर में आ जाऊंगा, जी नहीं। तो ऐसा कौन कहते हैं? जॉन डन कहते हैं, अपनी प्रीतमा को ऐसा कहते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा में इन्होंने क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंजा जॉन डन एड्रेसेस हिज बिलव्ड्स एंड सेज दैट इफ आई मस्ट डाई, यदि मैं मर भी जाऊं, यू विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड, आप कभी जो है नाखुश मत हो, नाराज मत हो, क्योंकि हमारे और आपके बीच जो मोहब्बत है ये काफी स्वीटेस्ट मोहब्बत है, काफी घनिष्ठ मोहब्बत है, काफी जो है कभी ना टूटने वाली, कभी ना ब्रेकअप होने वाली मोहब्बत है। ये आज के जमाने का मोहब्बत नहीं है कि बस एक मिस कॉल नहीं आया तो मोहब्बत समाप्त, दो मिस कॉल किसी और का आया तो मोहब्बत हमेशा के लिए समाप्त, जी नहीं। आगे हम स्टैंजा में चलेंगे। जॉन डन एक्सप्लेन्स अबाउट द सिचुएशंस व्हेन समबडी कीप अवे, जब कोई व्यक्ति आपसे जो है दूर हो और दूर होने के बाद जब दूरियों को महसूस करते हो, और दूरियों को महसूस करना ही तो सच्ची मोहब्बत की है परिभाषा। जब आप दूरी फील करेंगे, जुदाई फील करेंगे, तभी तो मोहब्बत की भाषा को आप समझ सकेंगे। तो सबसे पहले बात मैं आपको फिर से बताऊं कि इस कविता में जॉन डन ने हाइपरबल का प्रयोग किया। हाइपरबल मींस एम्फसाइजिंग सेंटेंस, स्टेटमेंट। कोई भी व्यक्ति जो है जब किसी बातचीत पे जो है चढ़ाव बढ़ाकर तीर का ताल जब करता है तो उसको हम लोग हाइपरबोल करते हैं। जितना ऑब्जेक्टिव आप याद रखेंगे कि स्वीटेस्ट लव में हाइपरबोल का प्रयोग ज्यादा किया गया है, मींस किसी भी स्टेटमेंट को एम्फेसाइज जोरदार बनाया गया है, उसमें जो है बातों को चढ़ाव बढ़ाकर लिखा गया है, जो अंतर है, जो तुलना है, जो कंपेयर है वो हट की तरह किया गया है। तो देखो सेकंड स्टैंजे में कभी क्या कहते हैं, कभी कहते हैं कि यस्टर नाइट द सन्स वेंट इन एंड एट इज हियर टुडे, ही हैज नो डिजायर नो सेंस nor half to sort away, then fear not me, but believe that I shall make a speedier journey, since I take more wings and stresses than he. According to second stanza, John Donne explain करते हैं, व्यक्त करते हैं अपने विचारों को और कहते हैं अपनी प्रेमिका को, अपनी बिलव्ड को, अपनी वाइफ को कि देखो ये सावन और पतझड़ आते जाते रहता है, मौसम बदलते रहता है, जरूरी नहीं है कि समान रूप से हमेशा साथ ही रहें। तो इन्होंने यहाँ पे जो है एम्फसाइज किया सन से, आपको बता दूं ये ऑल इंग्लिश है, अगर आप इसमें जो है एन और ही को हटा देंगे तो ये सन बन जाएगा, ये ऑल इंग्लिश ग्रामर का प्रयोग किया गया इसमें, मैं आपको क्लास में बता चुका हूँ। तो इन्होंने कहा कि यस्टरडे नाइट, कल भी देखो कल सूर्य उदय हुआ था और शाम होते होते चली गई, फिर ये पूरी रात अंधेरी रात आई और फिर से जो है सुबह क्या है कि हियर टुडे, आज फिर से सूर्य का उदय हुआ और आज हमारे सामने है। तो सूर्य का उदय होना, अस्त होना जीवन में सिखाता है कि लोग आपके साथ जुड़ेंगे और फिर आपसे जो है डिपार्ट भी होंगे, आपसे जो है अलग भी होंगे, तो ये चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है, ये प्रकृति का नियम है। तो ऐसे में हमें एक दूसरे के साथ जो है ये भावना रखनी होगी, कॉन्फिडेंस रखना होगा, विश्वास करना होगा एक दूसरे में, ताकि हमारे जो डोर है, जो मोहब्बत का जो डोर है, ये कभी टूटे ना, कभी कमजोर ना पड़े, धागे कभी कमजोर ना पड़े। तो इन्होंने क्या कहा कि देखो सूर्य का कल आगमन हुआ, शाम तक रहा, फिर वो चला गया और आज फिर वो अपने समय से आ गया, लेकिन ऐसे में उसको जो है आने का कोई, ही हैज नो डिजायर नो सेंस, माना कि मुझे बिल्कुल, ये अपने आप पे लेते हैं, सूर्य से कंपेयर करते हैं कि माना कि मुझे बिल्कुल जो है मोहब्बत का कोई परिभाषा मालूम नहीं है और मुझे कुछ मोहब्बत में कुछ आता नहीं हो, बिल्कुल मैं अंजाम हूं इस क्षेत्र में, लेकिन इतना कहूं कि
ही हैज नो डिजायर नो सेंस, ना कोई इच्छा ना कोई अनुभव। लेकिन ये कहा, इन्होंने कहा, जॉर्डन ने कहा कि जब सूर्य भी जो है पूरे 12 घंटे के बाद पुनः आ सकता है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप हम पे भरोसा रखो कि जब कभी भी तुम मुझे याद करोगे, जब कभी भी तुम मुझे मिस कॉल मारोगे, मैसेज दोगे, तो निश्चित तौर पर मैं यहाँ पे हूँ। मैं भारत में रहूँ या सात समुद्र पार कहीं रहूँ, या मैं इंग्लैंड में रहूँ, या मैं जर्मनी में रहूँ, फ्रांस में रहूँ, यूरोपीय कॉन्टिनेंट में जहां भी रहूँ, लेकिन आप सिर्फ मुझे जब महसूस करोगे, मीन्स मैं आपके सामने रहूंगा, आप मुझे आंख खोलोगे तो सिर्फ और सिर्फ मुझे देखोगे। इन्होंने कहा था कि सूर्य की गति में वो तीव्रता नहीं है, वो गति नहीं है, सूर्य की रोशनी में वो गति नहीं है कि वो हमें जो है हमारे गति के सामने वो टिक पाए। इन्होंने क्या कहा कि नोर हाफ सो शॉर्ट अवे देन फियर नॉट मी, बिल्कुल अब मेरे बारे में जो है भयभीत मत हो, मेरे बारे में कभी जो है मत सोचो। जितनी गति से सूर्य की रोशनी धरा तक पहुंची है, उससे कहीं स्पीड या जर्नी, उससे कहीं मैं तीव्र गति से, बिलीव करो, बिलीव दैट, विश्वास रखो मुझ पर, उससे अधिक मैं तीव्र गति से जर्नी करूंगा, यात्रा करूंगा। तुम समझ भी नहीं पाओगे कि मैं टिकट कब कटाया, रिजर्वेशन कब कराया और मैं आपके सामने हाजिर हो गया। बिस सुबह जब आंख खोलोगे तो मुझे ही पाओगी। आई शैल मेक अ स्पेशल जर्नी सिंस आई टेक मोर मींस, चाहे मुझे जितने भी पंख लगाने पड़े, मुझे जिस तरीके से भी हो आपके पास प्रस्तुत होना पड़े, मैं हाजिर हो जाऊंगा। जिन्होंने अपने प्रतिमा को ये मैसेज दिया इस एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से कि देखो सूर्य ये दिन और रात होते रहता है, जिंदगी में ये कभी खुशी कभी गम चलता रहता है, लोग आज मिलते हैं बिछड़ते रहते हैं, ये दोनों चलता रहता है, लेकिन क्या इसी के बीच मोहब्बत को हम जो है अनुभव कर पाते हैं, समझ पाते हैं। इन्होंने कहा कि देखो एक समय ऐसा आएगा जब हम सूर्य की तुलना में अधिक गतिमान यात्रा करेंगे, और जब तुम मुझे बुलाओगे, जब तुम मुझे मैसेज दोगे, याद करोगे, अनुभव करोगे, महसूस करोगे, हम विश्वास करो, विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। सूर्य से भी अधिक गतिमान यात्रा को जो है करूंगा। लेकिन क्या है, हमारे स्वीटेस्ट लव को जो है आप भूल नहीं सकते हो, आप इसे कभी भी जो है नाजुक मत समझो, टूटने मत दो, ब्रेकअप मत रखो, विश्वास रखो, बस मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारा ही रहूंगा।